नमस्कार दोस्तों, ऑटो फर्स्ट 9 के इस चैनल पे स्वागत है गाइस। और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ नेक्स्ट जनरेशन XUV 500, जो आने वाले दिनों में या कहे जाए कि उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहेगी और उसमें आपको कौन से फीचर्स आपको ऐड होने वाले हैं, ये सारी जानकारी गाइस आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लाइक का टारगेट रखते हैं सिर्फ 500। तो दोस्तों, ऐसे ही ऑटोमोबाइल न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी अपडेट हमारी ओर से आप मिस न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2020 XUV 500, जिसका कोड नेम रखा हुआ था W601। जैसे आप लोग जानते हैं कि महिंद्रा की हर कोई गाड़ी अभी काफी सक्सेसफुल हो रही है और महिंद्रा अपनी महिंद्रा थार स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन भी अभी हाल फिलहाल टेस्टिंग कर रहा है और अभी XUV 500 का भी टेस्टिंग इंडिया में शुरू हो गई है। मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ ही दिनों में इस कार की लॉन्च हो जाएगी। अगर इसकी मैं एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताऊं तो अगस्त 2020 तक इस कार को लॉन्च किया जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 9.50 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर आपको 17 लाख रुपीज में मिल जाएगी। मतलब ये कि इसका बेस वेरिएंट 9.50 लाख रुपीज में एंड टॉप एंड वेरिएंट शायद आपको 17 लाख रुपीज में मिल जाएगा। तो महिंद्रा अपने सेकंड जनरेशन XUV 500 को लॉन्च करेगी 2020 में, तो ये पक्का हो गया है क्योंकि उसकी जो टेस्टिंग है अभी हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में शुरू हो गई है। अगर आपके गूगल पे सर्च करके आप उसकी स्पाइड इमेजेस भी देख सकते हो। सैन्यों की जो कोरांडो आती है उसी के बेस प्लेटफॉर्म पे रहेगी। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो तो जो इंडियन मार्केट में महिंद्रा की अल्टारो जो आती है उसी के बेस प्लेटफॉर्म पे आपको आने वाली XUV 500 दिखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं उसकी कंपिटिटर, मतलब जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो डायरेक्टली राइवल होगी अपने सेगमेंट में आने वाली जीप कंपास, टाटा हैरियर, MG हेक्टर, किया सेल्टोस और नेक्स्ट हुंडई केटा।